एक्ट को लागू करो, लागू करो, लागू करो। डिसेबिलिटी एक्ट को लागू करो, डिसेबिलिटी एक्ट को लागू करो, डिसेबिलिटी एक्ट को लागू करो, लागू करो। क्या फरियाद तालीम और रोजगार लागू करो। हमें क्या चाहिए? अपना हक। हमें क्या चाहिए? अपना हक। हमारी मांगे पूरी करो। हम सब एक है, हम सब एक है। हमारी मांगे पूरी करो। एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लागू करो। हम सब एक है, हमारी मांगे पूरी करो। विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद। क्या चाहिए? अपना हक। हमारी मांगे पूरी करो। 2016 लागू करो। जी सर, मेरा नाम है अब्दुर्रशीद भट्ट, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। आज हम हैंगर स्ट्राइक पर इसलिए मजबूर हो गए हैं कि हमें पिछले 20 सालों से हम लड़ते रहे अपने हकूक के लिए, जो हमने आईन और कानून ने दिया है, मगर बदकिस्मती की वजह से यहाँ की सरकार हमें हमेशा नज़रअंदाज कर रहे हैं। मीडिया में वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मगर हम लोगों को सफ़र करने पर मजबूर कर रहे हैं, मगर ग्राउंड लेवल पर वो कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे कि हमने हर वक्तन यहाँ की LG हुकूमत से और मरकजी हुकूमत को भी लेटरें भेजी है और उनको रिक्वेस्ट की है, और हमने इससे पहले भी हड़तालें किए हैं और प्रोटेस्ट किए हैं, उन तक उनके कानों तक जो कभी भी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। इसलिए हम आज टिल डेथ हैंगर स्ट्राइक करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये इसकी जिम्मेदारी सारी मतलब सरकार पर आयत हो रही है, क्योंकि मतलब उनको जो भी वो वादे कर रहे हैं वो खोखले हो रहे हैं, उन पर कोई असर मतलब ग्राउंड लेवल पर नहीं होता है। जैसे कि हमारे डिसेबिलिटी एक्ट 2016 मरकज ने पास किया है, मगर UT बनने के बावजूद भी हम यहाँ पर लागू नहीं हुआ है। इसलिए हम आज फिर मजबूर हो गए हैं कि हैंगर स्ट्राइक करने पर अगर सरकार ने हमारे मसले और मसाइल हल किए होते तो आज यहाँ की नौबत नहीं आती है।